Most horrifying but beautifully executed. That's what I felt after watching this epic episode. Welcome back to another video, guys. Finally, Attack on Titan Season 4 Part 3 Part 1 एक special episode release हो चुका है और करीबन एक साल के बाद मापा ने कुछ ऐसा deliver कर दिया है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाल ही में आए AOT के रिसेंट ट्रेलर में हमें जो विजुअल्स देखने के लिए मिले थे, जो न्यू OST सुनने के लिए मिली थी, उससे कहीं ना कहीं हमें पता चल गया था कि मापा ने एनिमेशन क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है दोस्तों। और एपिसोड को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इट्स टोटली वर्थ इट, क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो AOT के पार्ट्स आए थे कुछ बढ़िया मोमेंट्स होने के बावजूद भी एनिमेशन क्वालिटी के स्टैंड पॉइंट से उतने ज्यादा बढ़िया नहीं थे दोस्तों, जिसके लिए AOT जाना जाता है। एपिसोड की बात करें दोस्तों तो एपिसोड दो चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है, पहला रंबलिंग तो दूसरा सिनर्स। एरेन येगर जो शो का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो रंबलिंग करने का फैसला ले चुका है और वो किसी भी हालत में इस चीज को रोकने नहीं वाला है दोस्तों, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि अपनों को आजादी देने के लिए दूसरों से आजादी छीन लेना। और इसी वजह से वो पैराडाइज आइलैंड के बाहर पूरी सिविलाइजेशन को मार देना चाहता है ताकि वो साइकिल ऑफ हेट्रेड को खत्म कर सके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। एपिसोड में हमें जो रंबलिंग वाली सिक्वेंस दिखाई गई है वो वाकई रंबलिंग वाली फील देती है दोस्तों। लोग भाग रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लोग खुद को भी मार दे रहे हैं और इसी रंबलिंग के बीच दो बच्चे यानी रामजी और हलाल की भी डेथ हमें देखने के लिए मिलती है, एंड दैट वाज वेरी हॉरिफिक दोस्तों। लेकिन खैर आगे हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जिसमें हमारे सामने काफी बढ़िया एक्शन डिलीवर करा जाता है, स्पेशली वो हांजी वाली सीक्वेंस जहां पर वो कैप्टन लिवाई के पास से निकलती है और कहती है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना, और कैप्टन लिवाई का जवाब होता है गिव योर हार्ट। ये लाइन सुनते ही दोस्तों कसम से दिल भर आया था। इसके बाद हांजी वर्सेस कोलोसल टाइटन वाली एक्शन सीक्वेंस को देखने के बाद वो बीच में जो ओएसटी बज रहा होता है ना दोस्तों, आई एम स्पीचलेस। इसके बाद जो हमें फोर्ट सॉल्टा वाली सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है जहां पर वो हवाई हमला कर रहे होते थ्रू एयर बॉम्बिंग ऑन कोलोसल टाइटन, उसमें इफेक्ट्स और विजुअल्स जो हमें देखने के लिए मिलते हैं भाई साहब कमाल कर देते हैं, पता चलता है कि कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसी बीच कैप्टन लिवाई और आर्मिन प्लान बना रहे होते कि एरन को किस तरीके से रोका जा सकता है, और सबके सब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एरन को रोकने के लिए हमें जीक को रोकना होगा, क्योंकि एरन की जो फाउंडिंग टाइटन वाली पावर है वो जीक के थ्रू आई है जो कि एरन येगर यानी फाउंडिंग टाइटन के अंदर मौजूद है दोस्तों। और आखिरी में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे वो एयरशिप को फाउंडिंग टाइटन पर लैंड करते हैं, और हमें थोड़ा बहुत एक्शन देखने के लिए मिलता है दोस्तों, जिससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट रिलीज होगा उसमें हमें काफी शानदार एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो एंडिंग है वो चेंज हो सकती है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसकी शायद एंडिंग वही रहेगी, लेकिन इसे थोड़ा सा डिटेल में और बताया जाएगा। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या आर्मिन और मिकासा जो एरन के काफी अच्छे दोस्त हैं, जहाँ पर तीनों ने एक सपना देखा था कि हम साथ में दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, क्या वो एरन को रंबलिंग करने से रोक पाएंगे दोस्तों, या फिर एरन मास जेनोसाइड करने के बाद भी बच जाएगा दोस्तों। काफी सारे से सवाल है जिसके जवाब हमें देखने के लिए मिलने वाले इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज हो सकती है क्या चीज नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमें इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा जो कि 7-8 महीने बाद रिलीज किया जाएगा। आई डोंट नो, मुझे अभी इसकी रिलीज डेट के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में हमें जो क्वालिटी देखने के लिए मिली है वो इससे भी ज्यादा बेहतरीन हो इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पे नए आए हो तो। मैं मिलता हूं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए